हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, HDFC बैंक का BC पॉइंट लेने पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो चलिए मैं यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मोजिला फायरफॉक्स के अंदर ही चलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर एक लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक को सबसे पहले ओपन करना होता है। उसके बाद में इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, आई एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद में एक नया पेज यहाँ पे ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बुकमार्क किया हुआ है जो HDFC बैंक का BC पॉइंट है, तो वो यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एजेंट आईडी डालनी होती है, जो कि CSC आईडी होती है दोस्तों, वही यहाँ पे एजेंट आईडी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेंड OTP किया जाता है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे मोरफो चलती है और स्टारटेक चलती है और मंत्रा, यहाँ पे डिवाइस आप यूज कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। चलिए मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ और वेरीफाई OTP कर देते हैं। तो देखिए अभी वेरीफाई हो जाता है और हमारा जो ये HDFC बैंक का BC पॉइंट है, ये लॉगिन हो जाता है। देखिए लॉगिन हो चुका है, और लॉगिन होने के बाद में आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मेरा नाम दिखाई दे रहा है राजेंद्र कुमार, और यहाँ पे सर्विस दिखाई दे रही है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे नीचे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर यदि हम डिपॉजिट करते हैं तब भी कमीशन मिलता है, यानी कि मनी ट्रांसफ़र करते हैं तब भी कमीशन मिलता है, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए सर्विस के अंदर क्या क्या मिलता है, यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी है, डिपॉजिट है, फंड ट्रांसफ़र है, मिनी स्टेटमेंट है, और आधार विड्रो है, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है, मिनी स्टेटमेंट और विड्रो है, यानी कि आधार कार्ड से पैसा भी निकाल सकते हो। सभी के ऊपर कमीशन मिलता है, यानी कि बैंक में जमा करोगे तब भी कमीशन मिलता है। तो सबसे पहले मैं बैलेंस इंक्वायरी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम किसी और पोर्टल से SBI बैंक का बैलेंस चेक करते हैं, तो वो वहाँ पे बैलेंस चेक नहीं होता। तो यदि आपके पास BC पॉइंट है तो आप इससे बैलेंस चेक कर सकते हो SBI बैंक का। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और आपको लाइफ प्रूफ करके दिखाएंगे। SBI बैंक का जो बैलेंस चेक होता है वो मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे नीचे मैं इसमें अपना बैलेंस देखने के लिए जो बैंक है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो चलिए मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, और इस बैंक का मैंने बैलेंस चेक करना है। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल लेता हूँ। हाँ तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, ठीक है, और कम्प्लीटली मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ जाता है, यानी कि कौन सी फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगानी है उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। चलिए मैं रिंग वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड की, और यहाँ पर कैप्चर के ऊपर सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कैप्चर करते हैं दोस्तों, यहाँ पर RD सर्विस ओके हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा, जैसे ही राइट का निशान आता है यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। प्लीज़ वेट बोलेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, और देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुल हो चुकी है, यानी कि योर ट्रांजैक्शन इज़ सक्सेसफुल। और यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हो BC पॉइंट की, और यहाँ पर आप अकाउंट में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी आसानी से SBI बैंक का। उम्मीद करता हूं दोस्तों छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।